नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने रायशुमारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में नगर निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस ने भी रायशुमारी शुरू की और विगत दिवस कांग्रेस संगठन द्वारा रीवा के प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक हर्ष यादव विगत दिवस रीवा है और महापौर के दावेदारों से 1-to-1 राजनिवास में चर्चा की। वहीं महापौर का चुनाव लड़ने वाले अपने समर्थकों के साथ राजनिवास पहुंचे। इस दौरान विधायक हर्ष यादव ने दावेदारों से टिकट न मिलने की स्थिति में दो अन्य नाम भी पूछे जो महापौर के पद के लिए सुयोग्य हों। इस दौरान वार्ड 12 के पार्षद डॉक्टर विनोद शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कविता पांडे, समाज सेवी अनुपम तिवारी, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, विभूति नारायण मिश्र सहित शिव प्रसाद प्रधान व अन्य चेहरे अपना ताल ठोकते नजर आए और अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान प्रभारी ने दावेदारों से पूछा, चुनाव कैसे जीतेंगे, आपका एजेंडा क्या है। वहीं 1974 से कांग्रेस के लिए समर्पित चेहरे शिव प्रसाद प्रधान ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि उनकी चर्चा हुई जी प्रभारी लोगों से जी, आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बातें आपने रखी? हमने यही बात रखी है, आप पूरा सर्वे रीवा का कराइएगा और सबसे पूछिए, कांग्रेसियों से पूछिएगा सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है, यदि मैं हूँ तो मुझे दीजिए। जैसे उनका गाइडलाइन है कि आप तीन नाम बताएं, तो आपने वो तीन नाम कौन से बताए? हमसे कुछ पूछा ही नहीं, जब मेरा बायोडाटा लिया, जब मैंने बात रखा तो कोई दूसरा नाम उन्होंने पूछा ही नहीं, सिर्फ मेरे बारे में पूछा गया। क्या इस बार भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से टिकट देने की संभावना है या फिर? इस बार जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई है पर्यवेक्षक जी से, तो ऐसा लग रहा है कि सही में जो अच्छा कांग्रेस कार्यकर्ता होगा, जो सही में आज तक लगा रहा कांग्रेस में, उसी को टिकट दिया जाएगा और जिसकी संभावना होगी वही जीतेगा।